तो भाई मैं आ गया हमारे टाटा पवेलियन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ टाटा ही टाटा है। और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारा कर्व भी आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ये हल्का पिंक पिंक शेड में इसका कलर है, रेड और पिंक में। ये हमारी भाई जो कूपे होती है ना उनके डिजाइन में पूरा जो इनका कॉन्सेप्ट है। ये हमारा कर्व है, रियर से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खतरनाक वाली लुक है इनकी। मैं टाटा और महिंद्रा को ढूंढा था स्टार्टिंग से, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से एंट्री ली तो वहाँ से मुझे मारुति और टोयोटा मिले। टाटा तो मुझे अभी मिल गया, यहाँ पे मैं टाटा की पूरी वीडियो रहेगी। बाकी महिंद्रा को मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, महिंद्रा अभी तक मुझे यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे MG वगैरह भी, उनकी भी मैं डालूंगा ये, लेकिन हमारा पूरा प्रॉपर वीडियो रहेगी टाटा के ऊपर। तो आप बाकी इसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। हैंडल्स वगैरह इसके बिल्कुल XUV700 जैसे, तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। इंटीरियर तो बिल्कुल मस्त है। अब हम आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ और लेके चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे रख रखे हैं। एक तो हमारी कर्व वी थी, सेकंड हमारी भाई सेरा है। तो सेरा को आप रियर से चेक कर सकते हैं। ये है भाई हमारी सेरा, आप लाइट के अंदर भी देख सकते हैं, इन्होंने लिख रखा है टाटा सेरा। तो बिल्कुल काफ़ी मैच होती है, जो पहली वाली सेरा आती थी ना उसका जो ग्लास था रियर वाला वो ऐसा ही था, तो उससे बिल्कुल ये मैच होती है। मैं आपको फ्रंट से और दिखा देता हूँ। ये हमारी इसकी फ्रंट से लुक। ये हमारा भाई अभी कॉन्सेप्ट है, अभी लॉन्च वगैरह का इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं ऐसा कुछ खास। बाकी लुक्स में तो भाई ज़बरदस्त है बिल्कुल। मैं आपको बाकी इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है, आप ये देख सकते हैं। तो स्पेशियस तो भाई बहुत ज़्यादा है, इसमें दो ही रो हैं लेकिन स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है। लेग रूम बहुत ज़्यादा है इसमें, फुट स्पेस बाकी इसमें थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें अभी इंटीरियर वगैरह के लिए अलाउड नहीं होता, बस बार बार से वॉक अराउंड ही हम इसका दे सकते हैं। अब हमारी भाई ये वाली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये वाली और दिखा देता हूँ एक बारी। ये हमारी हैरियर EV है, ये भी हमारी अभी कॉन्सेप्ट के अंदर है। फ्रंट से इसकी लुक थोड़ी बहुत बिल्कुल हैरियर से मैच करती है। मैं आपको साइड प्रोफाइल और दिखा देता हूँ। अलॉयज वगैरह का भी डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया, रियर से इसकी ऐसी लुक है बिल्कुल फ्लोटिंग वाली। इसमें LEDs मिलती है हमें, आप ये देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ रियर से, मैं आपको इसका इंटीरियर और दिखा देता हूँ। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह भी इन्होंने कार पे कहीं भी प्लेस नहीं किया, क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर, इंटीरियर इनका कुछ पहले जैसा ही है, आप ये देख सकते हैं। तो इंटीरियर में ऐसा कोई इसमें खास नहीं है, इंटीरियर बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन इन्होंने अभी EV के अंदर इसको कॉन्सेप्ट में बेसिकली लॉन्च किया है। तो अभी इनके बेसिकली यहाँ पे जो है ना लॉन्चिंग वाले स्टेज पे इनके 3 ही व्हीकल हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मैं इनके और व्हीकल्स आपको दिखा देता हूँ। बाकी अभी तक मुझे भाई सबसे बेस्ट जो लगा ना वो अभी तक टाटा का ही जो हॉल है, जो पवेलियन है, मुझे वही लगा है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर ऊपर से भी इसका शॉट वगैरह ले सकते हैं, तो वाला शॉट भी मैं डालूंगा ऊपर से। अब मैं बिल्कुल है ना आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो एंट्री होती है वहाँ पे ले जाता हूँ। एक हमारी भाई यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके लुक चेक कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी यहाँ पे। बाकी अभी मैं जो स्टेज थी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे मैं गया था। ये इसके आप देख सकते हैं, इसकी साइड लुक है, ये भी हमारा अभी कॉन्सेप्ट ही है। अब उसके बाद भाई हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद भाई हमारे यहाँ पे टियागो वगैरह आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी टियागो ही भी है। अभी भाई इसमें टाटा में बहुत कुछ है इन्होंने, मतलब व्हीकल्स होते हैं जो इनके ट्रक्स वगैरह ईवी में, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही प्लेस कर रखे हैं। ये हमारी दोबारा से टियागो ईवी आ गई है, आप ये देख सकते हैं। इधर हमारी MG आ गई, बॉर्न इन UK वगैरह का पूरा बोर्ड मिलता है। हम आपको दोबारा आगे की साइड ले जाता हूँ, और जो बाकी इन्होंने व्हीकल्स हैं वो हम आपको फटाफट दिखा देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट दिखा दिए थे जो यहाँ पे स्टेज पे आपके तीन ही कॉन्सेप्ट हैं। इन्होंने भी बाकी है ना मारुति की तरह, जैसे उन्होंने ब्रेजा अभी CNG में लॉन्च किया, तो इन्होंने भी अल्ट्रोज CNG में लॉन्च किया है, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा। ये बाकी भाई हमारी है अल्ट्रोज रेसर, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाले जो हमारे एडिशन होते उसमें लॉन्च किया। बाकी इसका स्पेसिफिकेशन के लिए हमें इसको स्कैन करना पड़ता है, इसको हमारी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। हमारी ये रेसर, तो इसमें तो जो थोड़ा ट्रीटमेंट हो थोड़ा अलग दे रखा है, ब्लैक फिनिश दे रखी है बोनट पे भी और इसके रूफ में भी, आप देख सकते हैं। और इस वगैरह पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में भी इसमें आपको ग्लोस ब्लैक का पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है। मीटर भाई बाकी इसका इन्होंने चेंज कर दिया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले वाले अल्ट्रो जैसा नहीं है, और टच स्क्रीन भी पहले जैसे अल्ट्रो जैसा नहीं, ये भी थोड़ा सा चेंज है।
स्पॉइलर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर लुक में भी आप देख सकते हैं। ब्लैक ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है क्योंकि रेड कलर में हमारी। अब मैं आपको नेक्स्ट कार पे ले चलता हूँ, हमारी अल्ट्रो CNG जो है। तो भाई ये हमारी अल्ट्रोज ICNG, टाटा में से जो अपनी CNG लॉन्च करते हैं उसको ICNG का नाम देता है, नॉर्मल CNG नहीं देता। इसमें आपको बैजिंग वगैरह सब कुछ मिलती है। मेन भाई जो मुझे इसमें देखना है बूट स्पेस का देखना है। ओ भाई ये तो खतरनाक ही काम कर दिया इन्होंने। ये आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट मिलता है आपको। इसका जो सिलेंडर है उसके नीचे प्लेस कर रखा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका CNG का सिलेंडर है। तो ये चीज़ भाई मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगी CNG कार में। इतना बूट स्पेस किसी कार में भी नहीं है भाई। बाकी इसका नॉर्मल जो हमारी अल्ट्रोज जैसे ही है, लेकिन भाई मुझे इसमें जो सबसे पसंद वाली चीज़ आई है ना वो भाई इसका बूट स्पेस है। ऐसा खतरनाक बूट स्पेस CNG होने के बाद किसी भी कार में नहीं है, किसी भी कार में। और ये तो हैचबैक है, बिल्कुल छोटी सी कार है। नेक्स्ट भाई हमारी है पंच CNG, ये भी ICNG में आ गई है। इसका भी भाई बूट स्पेस ही चेक करूँगा मैं सबसे पहले, और कुछ चेक नहीं करूँगा भाई, क्योंकि CNG में सबसे दिक्कत आती है बूट स्पेस की। इसमें भी आप देख सकते हो बूट स्पेस ही स्पेस है, सिलेंडर इसका भी नीचे ही प्लेस किया है भाई। ये सबसे बेस्ट चीज़ कर दी इन्होंने टाटा ने जो लेके आए हैं ना। ये आप ये देख सकते हैं इंटीरियर इसका भी बिल्कुल सेम है भाई। ये CNG में तो सबसे बेस्ट अभी तक मुझे लगी है ना टाटा की कार ही लगी, एक तो हमारी अल्ट्रोस और एक हमारी पंच, क्योंकि दोनों में सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि बूट स्पेस हमको दोनों गाड़ियों में बिल्कुल बढ़िया वाला मिलता है। टाटा की पवेलियन में भाई हमारी ये कुछ कार्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं ना उन पर। बाकी नहीं उधर भी हमारा डार्क वाला है ना, अभी मैंने देखा वो आप देख सकते हैं डार्क वाला भी वहाँ पे, तो उसकी तरफ भी चलते हैं। ये हमारे लॉन्च वाले व्हीकल्स हैं, वो हमारा डार्क एडिशन से जितने भी हैरियर अल्ट्रोज वगैरह में आते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैरियर ही होगी। बाकी यहाँ पे तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। इनका एक ना यूनिक चीज़ ये भी लगी, आप इसको स्कैन करके इसकी स्पेसिफिकेशंस ले सकते हैं सर। और बाकी कंपनीज की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रिटर्न होती हैं, लेकिन टाटा का ऐसा कुछ नहीं है, टाटा का सबसे अलग है। ये आप देख सकते हैं भी बाकी रजनी चौधरी जी कार का रिव्यू कर रही है। ये हमारा डार्क एडिशन है, ये भी हमारा डार्क एडिशन। ये आप देख सकते हैं हैशटैग डार्क, इसमें सफारी, ये हमारी सफारी, ये हमारी हैरियर है। हैशटैग डार्क की हमें पूरी बैजिंग इसमें मिलती है। तो चलो मैं आपको जो ये कार सी बाकी और मैं आपको दिखाता हूँ इनके जो ट्रक्स वगैरह हैं। तो भाई टाटा के पवेलियन में ना बाकी आपको पूरा बालकनी व्यू भी मिलता है। तो टाटा के पवेलियन में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी, काफ़ी इसने स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा बना रखा टाटा का जो पवेलियन है। बाकी इन्होंने जो योद्धा इनका जो आता है ये भी CNG में लॉन्च कर दिया है, जो इनका मिनी ट्रक होता है। तो आप ये देख सकते हैं CNG और फ्लेक्स फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। ये हमारा टाटा का इंटर है, ये भी हमारा बाई फ्यूल आप देख सकते हैं आप इसमें। फटाफट मैं आपको पूरा वॉकराउंड दिखा देता हूँ। और भाई ट्रक्स में तो कौन ही टाटा को हरा सकता है इंडिया में। तो मतलब जो हमारे इंडियन ट्रक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं, उनमें भाई टाटा नंबर वन पे स्टैंड करता है ट्रक्स के अंदर। आप देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने मॉडल लॉन्च कर दिए, आप ही देखिए। ये हमारा मैजिक वगैरह है, ये हमारी बिंगर है, ये हमारे ट्रक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ट्रक्स तो इन्होंने बहुत सारे खड़े करके, ट्रक्स ही ट्रक्स हैं इनके। जो पूरा ये वाला है ना, इस वाले सेक्शन में जो हमारा लास्ट में पड़ता है ये, बिल्कुल फ्रंट में इनकी जो कार्स हैं उसके बाद इनके ट्रक्स आ जाते हैं। उसके बाद इन्होंने इंजन वगैरह भी रख रखे, जैसे टोयोटा वालों ने रख रखे थे ना, वैसे सेम है। आप ये भी देख सकते हैं, इंजन वगैरह, आपका जो ट्रांसमिशन वगैरह, सारी चीज़ इन्होंने रख रखी है। जो हमारी EV पावर ट्रेन होती है वो भी इन्होंने यहाँ पे रख रखी है। यहाँ पे इनका जो बसेस वगैरह आ गई हैं ये आप देखिए, ये वीडियो भाई वॉक ग्राउंड कितनी बड़ी हो गई है। क्या करें भाई, इतने सारे मॉडल्स इन्होंने लॉन्च कर रखे, इतना बड़ा पवेलियन बना रखा है इन्होंने। ये आप बस वगैरह देख सकते हैं, आप बस के अंदर का भी देख सकते हैं। क्वालिटी तो भाई टाटा की नेक्स्ट लेवल पर चलेगी इंटीरियर और डिज़ाइनिंग में। तो अब भाई हमारा ACV वगैरह आ गया, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ACV है, ये हमारे इलेक्ट्रिक में आता पूरा, और ये हमारा प्राइमा है। ये आप देख सकते हैं कितना मैसिव ट्रक है भाई, इसमें वाइड एंगल कर रखा मैंने, फिर भी नहीं आ रहा इसमें। तो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छी लगती है जब इंडियन ब्रांड्स जो हमारे हैं, जैसे टाटा और महिंद्रा, जब ये इतनी सारे ऑटो एक्सपो में यूनिक डिज़ाइन लेके आ रहे हैं,
तो काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग है भाई, जो हमारे ये बाहर के ब्रांड्स उनको डिफीट कर रहे हैं ये अपने मॉडल्स के थ्रू, तो ये काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग है। तो ये हमारा पूरा टाटा का पवेलियन था, आप देख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये पूरा हमारा टाटा का पवेलियन है, यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है टाटा का पवेलियन। ये हमारी विंगर वगैरह थी, मैंने आपको दिखा दी थी। तो भाई यही थी एक वीडियो ऑटो एक्सपो 2023 की टाटा पवेलियन के ऊपर, पूरा एक वॉक अराउंड कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।